वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो एमपीटीटी काउंसलिंग 2023 के लिए राउंड वन अपग्रेड का रिजल्ट आ चुका है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। जिन बच्चों को राउंड वन अपग्रेड के अंदर सीट अलॉटमेंट आ गया है तो उन्हें अब आगे कौन सा स्टेप फॉलो करना है, जिन्हें अपग्रेड राउंड के अंदर सीट नहीं मिली उन्हें अब आगे क्या करना है, राउंड वन अपग्रेड में सीट मिली है उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना है और राउंड टू में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है एंड अपग्रेड राउंड का कट ऑफ कितना गया है। टोटल चार पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं। कट ऑफ राउंड वन अपग्रेड का इस साल का 2022 के कंपैरिजन में हाई गया है तो इस साल एमपीडीटी में आपको जो कंपटीशन है वो हाई देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कट ऑफ डाउन थी लेकिन इस साल कट ऑफ हाई है एंड अगर राउंड वन अपग्रेड में आपको आपके मन का कॉलेज मिल गया है और आपको सही तरीके से अब एनालिसिस करना है कि अगर आप इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त से, तो इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करने से पहले कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तो आपको इस चीज का एनालिसिस करना है कि राउंड वन अपग्रेड में जो भी सीट आपको मिली है वो अगर हम इंटरनल ब्रांच चेंज में जाएंगे और अपग्रेड का सोच रहे हैं तो जो सीट टारगेट कर रहे हैं उसमें चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि इस साल की जो कट ऑफ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में हाई है, काउंसलिंग लेट हो रही है तो सीट खाली होने के जो चांसेस रहेंगे इंटरनल के लिए, जब सीट खाली होगी तभी तो अपग्रेड होगा, तो जो सीट खाली होने के चांसेस रहेंगे वो इंटरनल में भी कम रहेंगे और राउंड टू एमपीडीटी के लिए थोड़ा सा टफ होता ही है क्योंकि सीट्स वैकेंट नहीं बचती, लगभग 60% सीट राउंड वन में कैप्चर हो जाती हैं तो 40% सीट्स में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है राउंड टू के लिए, लेकिन अगर अच्छे से काउंसलिंग की जाए तो राउंड टू में भी सीट अलॉटमेंट आ जाता है। तो अगर आपको राउंड वन के अपग्रेड में कॉलेज मिल गया है, ब्रांच में थोड़ा बहुत आपको डाउट लग भी रहा है तो आप राउंड वन के कट ऑफ का सही तरीके से, जो अपग्रेड राउंड का कट ऑफ आया उसका सही तरीके से एनालिसिस करिएगा। अभी आया नहीं है, जब यहां पे आ जाएगा और आपको लगे तो फिर आप वहां पे एडमिशन के लिए चले जाइएगा। अब अगर आपको एडमिशन के लिए जाना है तो एडमिशन के लिए जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे जिसकी लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, और एक बार अगर एडमिशन ले लेंगे तो फिर आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को राउंड टू में जाना है उन्हें अभी वेट करना पड़ेगा अपग्रेड के लिए। जो टाइम है यहाँ पे देखिए, अपग्रेड राउंड का जो डेट दिया हुआ है 16 अगस्त तक की, तो 16 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद अगर अपग्रेड राउंड में सीट मिली है और एक्सेप्ट नहीं करना राउंड टू में जाना है तो 16 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद जो है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए जा पाएंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका तो प्रोसेस राउंड टू का चालू हो ही गया है, रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राउंड टू के अंदर कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तो आपको बेहतर तरीके से चॉइस फिलिंग करने की जरूरत है। इस साल एमपीडीटी में कंपटीशन हाई है तो आप अगर अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो बिना अच्छे तरीके से काउंसलिंग किए पॉसिबल नहीं है। यह चीज आपको राउंड वन अपग्रेड तक में समझ में आ गई होगी कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या मिल रहा है। तो अगर आपको हमारी टीम के थ्रू काउंसलिंग करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वहां तक एडमिशन दिलाएंगे राउंड टू काउंसलिंग के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे चेक करना है तो वेबसाइट है एमपीडीटी की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली वहां पे जाइए, सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इसके बाद फिर अप्लाई फॉर काउंसलिंग। जब जाएंगे तो ये शेड्यूल आएगा, यहां पे देखिए फर्स्ट राउंड अपग्रेड, यहां पे थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट राउंड अपग्रेड है, इसका सेकंड ऑप्शन में यहां पे क्लिक ईयर का ऑप्शन है, क्लिक करिए, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए, पासवर्ड डालिए, राउंड यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपली ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी पिन डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो राउंड वन अपग्रेड का रिजल्ट है वो आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी चेक कैंडिडेट स्टेटस के थ्रू भी जाके अपना रिजल्ट एक बार में देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कोर्स सेलेक्ट करके तो आपके पास जानकारी आ जाएगी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जिन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है वो अब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे कॉलेज में, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां, और अगर एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी राउंड टू में नहीं जा पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन में है एंड काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद। 100 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दीजिए।